मॉडल गेम स्कूल अपन लेके आए ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास के मैथ्स में रैशनल नंबर, उसका बेसिक के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे पहला है रैशनल नंबर क्या होता है भाई, नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म। वो नंबर जिसे हम पी बाय क्यू कह लो या ये कह लो जिसे हम बाय के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1/2, 1/3 और जैसे 0 है आपका, ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों? 0 के बाय में 1, 2 कुछ भी लगाओगे रहेगा तो वो 0 का 0 ही, यानी कि उसके बाय में कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब उसके बाय में है, मतलब 0/1 जो 0 है वो आपकी पी बाय क्यू की फॉर्म में आता है, इसलिए जो 0 है वो भी आपका रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वो नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे कहीं तक भी। नेक्स्ट आता है होल नंबर क्या होते हैं। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वो नंबर जो 0 स्टार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये आपकी काउंटिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट आप कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट में भी 0। इंटीजर वो नंबर है जो आपके पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं और वो उसमें 0 भी आ सकता है आपका। एग्जाम्पल तौर पर जैसे आपका है -3, -2, -1, 0 है 1, 2, 3। -2, -3, -1 ये तो हो गए नेगेटिव नंबर, हो गए 0 आ गया और ये आपके पॉजिटिव हो गए, ये आपके किस में आएंगे, इंटीजर्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहला आता है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि 2 रैशनल नंबर हैं आपके पास, मैंने ए और बी 2 रैशनल नंबर ले लिए, अगर a प्लस में b, यानी कि a में मैं b ऐड करता हूँ या मैं b में a ऐड कर रहा हूँ, तो दोनों का सम क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, इसे बोलते हैं कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो बोलेंगे एडिशन। ऐसा केस हम मल्टीप्लाई में भी ले सकते हैं, a मल्टीप्लाई b इक्वल में क्या आएगा, b मल्टीप्लाई a। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 2+3, 2 नंबर ले लिए मैंने 2 और 3, 2+3 करेंगे चाहे 3+2 कर लो, दोनों का सम सेम रहेगा। ऐसे मल्टीप्लाई में 3×2 कह लो चाहे 2×3 कह लो, दोनों का मल्टीप्लाई 6 रहेगा, सेम रहेगा। ये होगी आपकी कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और ये होती है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो ये कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी है, ना तो हम इसके सब्ट्रैक्शन में हम लगा सकते हैं, ना ही हम इसको डिवाइड में लगा सकते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास कोई 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर है, 3 नंबर है, तो मैंने क्या करा, जैसे कि a प्लस में b प्लस c, पहले मैंने b प्लस c दोनों को ऐड करा, जो दोनों का ऐड करके आ रहा है उसको मैंने पहले वाले में ऐड किया, या फिर मैंने पहले दोनों को ऐड कर लिया, जो इन दोनों का ऐड करके आया उसमें मैंने थर्ड वाला ऐड कर दिया, तो दोनों तीनों के तीनों आपके सेम रहेंगे। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b इंटू c, b और c की मल्टीप्लाई को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल रहेगा, a इंटू b, a और b की जो मल्टीप्लाई आएगी उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम रहेगा। एग्जांपल ले सकते हैं 1, 2, 3 भी, मैंने पहला नंबर ले लिया 1, दूसरा ले लिया 2, तीसरा ले लिया 3, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया सेम आप रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है, a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो इसमें क्या रहेगा, इक्वल में क्या रहेगा, a इंटू बी प्लस में b मल्टीप्लाई c। ये हमारी प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, कॉमुटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई रैशनल नंबर है, अगर उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड किया जाए, नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों को ऐड करने पे 0 आता है, वो उसका होता है एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल तौर पर ऐसे 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स यानी कि माइनस का 7 आ रहा है इन दोनों को, क्योंकि 7 में क्या ऐड करें 0 बनेगा, वो बनेगा -7, तो यानी कि 7 का एडिटिव इनवर्स होगा आपका -7। एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -5। सिंपल तौर पे अब ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी नंबर है उसके अगर माइनस आ रहा है तो उसको प्लस लिख देंगे, यानी कि उसका नेगेटिव साइन चेंज कर देना आपने, यानी कि उसकी नेगेटिव से करनी है मल्टीप्लाई। अगर प्लस का है तो माइनस में आएगा आंसर आपका, अगर माइनस में है तो आपका आंसर प्लस में रहेगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि कोई नंबर है और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा उन दोनों की जो मल्टीप्लाई यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 आना चाहिए,
वो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा आपका 1/7 से, तो यानी कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा आपका 1/7। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा 1/5। इसका सिंपली तौर पर हम ये कह सकते हैं, जैसे 5 है इसके बाय में मैंने लगा लिया 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और 5 नीचे, ये होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान दोनों में ये रखना है, एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करते हैं, उस नंबर को रिवर्स नहीं करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे हम। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, उस नंबर का रिवर्स करेंगे और उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, उसमें हम साइन चेंज करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं नंबर को रिवर्स कर देंगे, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैंने एक चीज और बता रहा हूं आपको, 1/5 × 1, किसी रैशनल नंबर की मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इक्वल में आ रहा है 1 × 1/5, इक्वल में क्या रहेगा 1/5। किसी रैशनल नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो बोलते हैं, आइडेंटिटी मतलब 1, अगर किसी रैशनल नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। ये तो रही आपकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हो गई, और रैशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन, ये थी हमारी बेसिक क्लास रैशनल नंबर के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।